वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर मैथ्स क्लास. सो एज यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर टर्म वन सिलेबस. सो टेक अ लुक हाउ मेनी चैप्टर्स वी हैव स्टडीड. हमने अपने सिलेबस को 3 कैटेगरी में बांट लिया था, पेन पेपर टेस्ट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एंड एक्टिविटी. हमने इन तीनों में बांट के अपने चैप्टर्स को पढ़ा है. हमने पेन पेपर टेस्ट में चैप्टर नंबर 1 रिवीजन, चैप्टर नंबर 4 एडिशन एंड चैप्टर नंबर 5 सब्ट्रैक्शन, ये अपने पीरियोडिक टेस्ट 1 में पढ़ा था. पेन पेपर टेस्ट के ये तीनों हमारे चैप्टर्स थे. हमने पीरियोडिक टेस्ट 1 में चैप्टर 2 नंबर्स अप टू 10,000 इसको भी पढ़ लिया था. और हमने अपनी एक्टिविटी चैप्टर नंबर 3 रोमन न्यूमरल्स इसे भी पढ़ा था और इस पे बेस्ड एक्टिविटी को भी किया है. और हमने टर्म 1 में पेन पेपर टेस्ट में चैप्टर नंबर 6 प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, चैप्टर नंबर 7 मल्टीप्लीकेशन एंड चैप्टर नंबर 8 डिविजन, इनको पढ़ा. इनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें. टर्म 1 में हमारे सब्जेक्ट एनरिचमेंट और एक्टिविटी में कोई चैप्टर्स नहीं थे. तो अब हमने अपने मैथ्स का सिलेबस टर्म 1 तक कंप्लीट कर लिया है. अब हम अपने रिविजन को स्टार्ट करेंगे. आपको पता है आपके टर्म 1 में पीरियोडिक टेस्ट 1 के चैप्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, आते हैं. एग्जाम में हमें पूरे चैप्टर्स को प्रिपेयर करना होगा. तो अब हम अपना रिविजन स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 रिविजन, इस चैप्टर में जो भी सम्स हैं वो हमारा प्रीवियस क्लास का एज अ रिविजन है. तो आज हम इस चैप्टर के सम्स को फिर से रिविजन स्टार्ट करते हैं. आज हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, कवर करेंगे, जिन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को आज करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज नंबर्स इन वर्ड्स. हम नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, मींस जब नंबर फिगर में हो तो हम उसे वर्ड में कैसे लिख सकते हैं. और सेकेंड क्वेश्चन इज नंबर्स इन फिगर्स, जब नंबर वर्ड्स में हो तो हम उन्हें फिगर में कैसे लिखें, अगर फिगर में गिवन है तो हम उसे वर्ड्स में कैसे लिखें. दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है. थर्ड इज पैटर्न्स, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सीरीज को कंप्लीट करते हैं. अगर वो स्किप काउंटिंग पे बेस्ड है तो हम स्किप काउंटिंग करके फिल करते हैं नंबर्स को. अगर वो टेबल पे बेस्ड है तो हम उसे उसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं. हम उस पैटर्न को, गिवन पैटर्न को कंप्लीट करते हैं. एंड फोर्थ टॉपिक इज काउंटिंग बाई टूज थ्रीज, जितना भी क्वेश्चन में गिवन हो उतनी काउंटिंग्स करके हम दो गिवन नंबर के बिटवीन के नंबर्स के कैसे लिखते हैं. आज हम इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को. सो स्टूडेंट्स, आपको फिगर से वर्ड्स में लिखने के लिए और वर्ड से फिगर में लिखने के लिए नंबर को काउंट करना आना चाहिए उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग. और आपको उनके नंबर नेम लर्न होनी चाहिए, स्पेलिंग 1 से 100 तक, 1,000, 10,000, इनकी जब आपको स्पेलिंग लर्न होगी तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर लोगे और मिस्टेक नहीं होगी. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज राइट द नंबर्स इन वर्ड्स. दिए हुए जो नंबर हैं इन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है. ये किस में है, क्वेश्चन में, ये आपको फिगर में, ये इसको हम फिगर कहते हैं. ये फिगर में लिखे हुए हैं, हमें इन्हें वर्ड्स में लिखना है. तो ए को देखिए क्या नंबर है, 1, 10, 100. हम काउंट करके चेक कर लेंगे क्या लिखा है, 100. तो हम इसको वर्ड में क्या लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 100, HUNDREED. ठीक है, आप करेक्ट स्पेलिंग लिखोगे. अगर आपको स्पेलिंग्स अभी नहीं लर्न है तो उन्हें लर्न कर लीजिए. बी इज 449, हम इसे क्या पढ़ेंगे, 1, 10, 100, 449. अब हम इसको वर्ड में लिख लें, 4 की स्पेलिंग लिखेंगे हम पहले, 400. 40 की क्या स्पेलिंग होती है, मैंने आपको बताया है 40 की स्पेलिंग FORTY, 40, ठीक है, -9. तो हमने लिख लिया इसे वर्ड में 449. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, क्या नंबर गिवन है, 1, 10, 100. टेंस के प्लेस पे 0 है तो क्या है ये नंबर, 705. क्या लिखेंगे हम, 705, FIVE.
हम वर्ड्स में ज़ीरो नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ ज़ीरो कहीं नहीं लिख दोगे, आप लिखोगे 705, टेंस के प्लेस को ब्लैंक रहने दीजिए, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे वर्ड में, 705, इट्स कंप्लीटेड, ओके। तो इसी तरह जो भी नंबर गिवन होंगे आप उन्हें वर्ड में लिख लोगे। नंबर्स इन फिगर्स, अब नंबर्स आपको क्वेश्चन में वर्ड में गिवन है, हमें इन्हें फिगर्स में लिखना है, न्यूमरल्स में लिखना है, या तो क्वेश्चन में न्यूमरल्स गिवन होगा या फिगर्स, दोनों का मतलब एक होगा। 630, तो हम इसे क्या लिखेंगे फिगर में, 6 रहेगा 100 के प्लेस पे, फिर 30 लिख लिया हमने, 630, ओके। ये इसका क्या है, फिगर फॉर्म है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 801, अब 100 के प्लेस पे 8 लिखेंगे, टेंस के प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, इट मींस हम 0 लिखेंगे और वंस के प्लेस पे 1 लिखेंगे, हम इसे क्या पढ़ेंगे, 801, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 550, 100 के प्लेस पे 5 और 50 में 2 डिजिट होता है, टेंस और वंस, तो लिखेंगे हम 50, ओके, 500। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कंप्लीट द गिवन पैटर्न्स, जो पैटर्न गिवन है हमें इन्हें कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए, लुक एट द नंबर्स वेरी केयरफुली, 210, 230, 250, उसके बाद 3 ब्लैंक्स हैं, हमें इन्हें फिल करना है। तो हमें नंबर्स को चेक करना है और देखना है कि इस पैटर्न को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। 210 और 230 कैसे मिला हमें, 210 में हम क्या ऐसा ऐड करें कि हमें 230 मिलेगा, 210 प्लस 20, जब हम 210 में 20 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम चेक कर लेते हैं। 0 प्लस 0 0, ऐड करेंगे हम 1 प्लस 2 3 और 2 को एज इट इज़ लिख देंगे, यस 230 मिला। अब हम 230 में भी जब 20 ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा 0 प्लस 0 0 3 प्लस 2 5 एंड 2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, यस। अब हमें पता चल गया कि इस पैटर्न को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, हम 20 का एडिशन करते जाएंगे और इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। तो 250 प्लस 20 क्या मिलेगा हमें, 270, ओके। नाउ 270 प्लस 20, व्हाट वी गेट, 290। अब 290 में जब हम 20 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 310। इसी तरीके से हमने इस पैटर्न को कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी, 445-455-460-& अब हम क्या करें, कैसे फिल करें, कितना डिफरेंस है नंबरों के बीच। 445 इस यहाँ पे ऐसा क्या नंबर हम फिल करें और 455 है यहाँ पे, इट मींस यहाँ पर इस सीरीज में 5 नंबर्स को ऐड करके हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 445 में जब 5 को आप ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 450, 450 प्लस 5, 455, 455 प्लस 5, 460। अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, 460 प्लस 5, 465 एंड 465 प्लस 5, 470, ओके, हमने इसे कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट सीरीज, 780-770-740-, ज़रूरी नहीं है कि हम पैटर्न्स को फॉरवर्ड करके काउंटिंग से फिल करें, हम बैकवर्ड काउंटिंग से भी इसे फिल कर सकते हैं। 780 और 770 के बीच कितना डिफरेंस है, 10 का। 80 में से जब आप 10 को सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो, तब आपको 70 मिलता है। इट मींस आपको 10 नंबर सब्ट्रैक्ट करना है और सीरीज को कंप्लीट करना है। 770-10, व्हाट वी गेट, 760। अब 760-10, 750, 750-10, 740 एंड 740
माइनस 10 730। क्लियर। इसी तरीके से हम नंबर्स को बहुत ध्यान से देखेंगे और अगर आपको ऐसे करने में डायरेक्ट प्रॉब्लम है आप अपना रफ वर्क करिए, अच्छे से ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, उसके बाद इसे कंप्लीट करिए। ये हमारा रफ वर्क है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज काउंटिंग बाय फाइव्स। राइट नंबर्स फ्रॉम 820 to 855। अब हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और हमें क्या करना है, 820 और 855 के बीच जितने भी नंबर 5 के प्लेस पे आएंगे उन्हें लिखना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, काउंटिंग बाय फाइव्स। यहाँ जो भी नंबर गिवन होगा हम उस नंबर को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हमारा रफ वर्क है जो हम अभी कर रहे हैं, या आप सामने भी कर सकते हो पर नीट एंड क्लीन। 820 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा, 0 + 5 = 5। 2 हमने एज इट इज लिख दिया और 8 भी एज इट इज लिख दिया, ये 825 मिल गया हमें। अब हम क्या करें, अब हम अगेन 825 जो हमें नंबर मिला है इसमें 5 को ऐड करेंगे। 825 + 5 क्या मिलेगा हमें, 5 + 5 = 10, 0 कैरी 1 2 + 1 = 3 एंड 8 हमने एज इट इज लिख दिया, ये 830 मिल गया हमें। अब हम क्या करें, 830 में 5 को ऐड कर लें। 830 + 5, हम एडिशन हमेशा वंस के प्लेस से स्टार्ट करते हैं, 5 हम कभी भी 8 के नीचे नहीं लिखेंगे, हम हमेशा वंस के प्लेस से डिजिट्स को लिखते हैं। 0 + 5 = 5 = 3 हमने एज इट इज लिख दिया, 8 भी एज इट इज लिख दिया, क्या मिला हमें, 835। तो इसी तरीके से हम 5 को ऐड करते रहेंगे, कब तक, जब तक हमें 855 ना मिल जाए। ठीक है, तो हमें जो नंबर का सीरीज मिलेगी वो इसका आंसर होगा। तो हमें क्या नंबर्स मिलेंगे, फ्रॉम 820 to 855 हम उन्हें लिख लेते हैं, 820, 825, 830, 835। अगेन कॉमा, हम दो नंबर्स के बीच में कॉमा लगाएंगे और थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। 835 के बाद हम 5 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 840, फिर 845, देन 850 और जब 850 में हम 5 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 855। इसी तरीके से क्वेश्चन में अगर गिवन होता काउंटिंग बाई टूज तो हम क्या करते, 820 में 2 को ऐड करते तो हमें क्या मिलता, 822। फिर से 822 में 2 को ऐड करते मिलता हमें 824। इसी तरीके से हम ऐड करते जाते जो नंबर गिवन होता है वहाँ से उससे उसमें ऐड करते हैं और जो नंबर लास्ट में गिवन होता है वहाँ, जब तक ये नंबर ना मिल जाए हमें तब तक हम इस प्रोसेस को करेंगे और फिर जितने उनके बीच में नंबर होंगे हम उन सारे नंबर को कॉमा लगा के। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 4 टॉपिक्स को पढ़ा और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क में मिलेंगे वो आप अपने होमवर्क कॉपी में सॉल्व करोगे। अब हम रिविज़न स्टार्ट कर दिए हैं तो आप पर डे आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनको करते चलिए, प्रैक्टिस करिए तो आपका सिलेबस प्रिपेयर होता रहेगा एग्ज़ाम के लिए। आप इन वर्क को अपने मैथ्स क्लास को कॉपी में नहीं करेंगे। तो डू द गिवन वर्क वेरी केयरफुली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।